फ्रेंड्स वेलकम टू मिस्टर भाई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ इसराफुल भाई। आज आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू हाइड फॉलोइंग लिस्ट ऑन इंस्टाग्राम। मतलब इंस्टाग्राम में आप चाहो तो आपका फॉलोइंग लिस्ट हाइड हो, किसी को ना दिखे, तो किस तरीके से करोगे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हो। जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, जैसे आप यूट्यूब के अंदर सर्च करके मेरे वीडियोज़ के अंदर आए हो, ऐसे सर्च करके काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देख चुके हैं अभी तक। लेकिन आप जैसे फॉलोइंग लिस्ट को हाइड करने जाते हो लेकिन हाइड नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उस क्रिएटर के ऊपर। तो आप लोगों को सीधा एक आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो तो सटीक जवाब भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर जो भी आए हो उन लोगों को बता दूँ, आप इंस्टाग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग लिस्ट को हाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन इसका एक विकल्प है आप किस तरीके से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट करना होगा। जैसे आप प्राइवेट कर देते हो क्या क्या फीचर हाइड हो जाते हैं वो भी जान लीजिए। आपका पोस्ट किसी ने नहीं देख पाएगा, लेकिन ऊपर से आप लोगों को नंबर दिखाई देगा, जैसे फॉलोअर्स की नंबर दिखाई देगा, आप लोगों को फॉलोइंग के नंबर दिखाई देगा, पोस्ट की नंबर दिखाई देगा, लेकिन उधर से क्लिक नहीं होगा, सिर्फ ऊपर से दिखाई देगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है। मेरा एक सब्सक्राइबर्स ने इधर से मुझे DM में पूछा है इंस्टाग्राम में फॉलोइंग हाइट कैसे करें, आप देख भी सकते हैं। तो आप लोगों को सीधा एक जवाब बता दूं ताकि सब लोगों को पता चल जाए, ठीक है। इंस्टाग्राम के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग लिस्ट को हाइट नहीं कर पाओगे, आप इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से प्राइवेट करोगे इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दूँ, इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इधर से आप लोगों को स्क्रीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँ, मैं इधर से अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लूँगा, आप लोग भी अपना इंस्टाग्राम को ओपन कर लीजिएगा। तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल इधर से मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा मिस्टर बाई 21, नीचे लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। आपको अच्छा लगता है मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होता है DM भी कर सकते हैं। तो इधर से आप लोगों को इस अकाउंट के अंदर नहीं करूँगा, मैं इधर से दूसरे एक फेक अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाऊँगा, ऊपर से क्लिक करूँगा, नीचे से अकाउंट मिल जाते हैं, इसके ऊपर प्रेस कर दूँगा। देन जैसे प्रेस करता हूँ उस ID के अंदर क्लिक करके मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो आप लोगों को सामने इस तरीके से फेस मिल जाता है, और ऊपर से आप लोगों को 3 लाइन मिल जाएगा आपका अकाउंट के आगे। आप देख सकते हैं इस 3 लाइन के ऊपर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना। देन आप जैसे क्लिक करते हो नीचे से एक सेटिंग्स बटन मिल जाते हैं, इसके ऊपर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना। देन आप जैसे क्लिक करते हो इधर से प्राइवेसी वाला एक ऑप्शन मिल जाते हैं, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करते हो नीचे से आप लोगों को ऊपर से एक प्राइवेट वाला अकाउंट ऑप्शन मिल जाते, ऊपर से इस बटन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को इस बटन को इनेबल कर देना है। आप जैसे इनेबल करते हो जैसे स्विच टू प्राइवेट नीचे मिल जाते, इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना। आप जैसे क्लिक करते हो ये वाला अकाउंट प्राइवेट हो चुका है। मैं प्रोफाइल के अंदर जाके थोड़ा दिखा दूँ, देख सकते हो ऊपर से प्राइवेट की लोगो लग चुका है। तो इस तरीके से आप अपना फॉलोइंग, फॉलोअर्स एंड पोस्ट को हाइड कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ फॉलोइंग लिस्ट को हाइड नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ छोटा वीडियो से आप लोगों को पूरा जानकारी मिला है। जानकारी मिलता है एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लेना।